तो स्वागत है आप सबका मेरे शेरों, मेरे चीतों, मेरे पपीतों। लेक्चर नंबर 20 पे गए हैं हम पहुंच आज। तो हम पहुंच गए लेक्चर नंबर 20 पे। तो आज शुरू करते हैं फटाफट बिना किसी फीस के, है ना। जो नए आए हैं लोग उनके लिए वापस एक मैसेज, भैया यहाँ पे फ्री सीरीज चल रही है, ठीक है। अब जो रेगुलर वाले हैं थोड़ा सा इरिटेट हो जाएंगे, देखो यार नया नया उतरा हूँ, थोड़ी सी पब्लिसिटी कर लेने दो। अब आप शेयर वगैरह तो अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो मुझे मेरा काम तो कर लेने दो, है ना। तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दो, देख लो स्टार्टिंग से लेके सब वीडियोस हमारे जो सॉलिड स्टेट पे है। अब चल रहा है सॉल्यूशन, वो धीरे धीरे खत्म होते आया है, तो ठीक है। तो हमारी थोड़ी सी फन लर्निंग होती है, जो रेगुलर वाले हैं उनको पता चल रहा होगा कि हर रोज हम आधे घंटे के लिए साथ में होते हैं और मिलकर बड़ी मस्ती करते हैं, साथ में नोट्स निकालते हैं, पढ़ाई के लिए तैयारी करते हैं, है ना। तो एक खुशनुमा फ्यूचर की यहाँ पे तैयारी चल रही है, जहाँ पे अच्छे अच्छे परसेंटेजेस होंगे, अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स होंगे और वो कंसेप्ट्स याद रहेंगे, हमको समझ में आ रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 20 में आज हम सीखने वाले हैं डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। किसी बात का डिप्रेशन नहीं, ठीक है बच्चों, मेरे बच्चों को मैं डिप्रेशन दूंगा भी नहीं, है ना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आज हम सीखने वाले हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में आज आपको थोड़ी एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि आज भैया होने वाला है महायुद्ध यहाँ पे। क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है, समझने में थोड़ा सा दिमाग की हलचल मच जाएगी, है ना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझना जैसे कि कोई क्यूब सॉल्व करना हो, रूबिक्स क्यूब, तो थोड़ा सा आपको यहां वहां होगा, लेकिन मैं हूं, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। हमारा टेलीग्राम का नया चैनल खुल चुका है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया, वहां पे आके आप बिना किसी हिचकिचाहट के बात कर सकते हो, अगर आपको कमेंट सेक्शन में थोड़ा डर लग रहा होगा तो ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकैती के डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। तो इसके पहले थोड़ा रिविजन कर ले। रिविजन में हमने सीखा था बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के बारे में, उसका डेरिवेशन हमने पूरी तरीके से देख लिया था और उसका रिलेशन देख लिया था मोलर मास के साथ। मोलैलिटी हमने नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, जहां पे मोलैरिटी और मोलैलिटी में फर्क क्या है हमने देखा था। टेम्परेचर डिपेंडेंसी कैसे कैसे वेरी होती है ग्राफ देखा था हमने, तो बहुत सारी चीजें देखी थी। तो अगर आप लेक्चर मिस कर रहे हो तो बहुत पाप कर रहे हो, कतई पाप कर रहे हो, क्योंकि ये सब आपको कोई नहीं सिखाएगा। क्योंकि देखो पाप करना, देखो मेरी माँ बचपन में कहती थी चोरी करना पाप है, नदी किनारे साफ है। तो देखो चोरी मत करो, कॉन्सेप्ट्स की फ्रीली सीखो, सारे कॉन्सेप्ट्स टाइम व्यतीत करो, समय व्यतीत करो। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में कॉन्सेप्ट वही है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मैं ऐड कर रहा हूं किसी सॉल्वेंट में और उसकी कंपैरिजन हो रही है प्योर सॉल्वेंट के साथ कि कौन ज्यादा बलशाली, हु मोर बलशाली, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, अब देखो अगर मैं किसी भी नॉन वोलाटाइल सोल्यूट में सॉल्वेंट में प्योर सॉल्वेंट नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दूंगा तो इसके फ्रीजिंग पॉइंट में जो है वो डिप्रेशन आ जाएगा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा घट जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों, अब देखो उसके पहले आपको सीखना है फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन। अब बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन में मैंने आपको कतई मुंह के बल गिरा दिया था कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स, ये आपके मन में होगा। तो मैंने कहा था कि यार ये बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं है, आप पाप कर रहे हो, तो पापी हो। अगर फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन आप ये करेंगे द पॉइंट एट विच लिक्विड फ्रीजेस इनटू सॉलिड स्टेट, तो कतई पापी हो आप लोग, क्योंकि टेक्निकलिटी इसमें से कतई गुम हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसको बरकरार रखते हुए जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूं उसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो कि जब लिक्विड और सॉलिड आ जाते हैं ऐसे इक्विलिब्रियम में, जहां पे इनका वेपर प्रेशर दोनों का, लिक्विड और सॉलिड का, हो जाता है सेम, उस पॉइंट को, वो पॉइंट जब रीच होता है जिस पे वेपर प्रेशर सेम होता है एट अ टेम्परेचर स्पेसिफिक, दैट टेम्परेचर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट फेज। आर यू अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की भैया बातें हम कर चुके हैं इसके पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको समझना है, पढ़ने की अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो जान लो, समझ लो, परख लो। आज हमको देखना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आगे हम देखने वाले आज इसके साथ साथ थोड़ा सा ग्राफ है, फिर वही डेरिवेशन है जहां पे मोलालिटी कंसेप्ट आएगा जो हमने सीखा था, और उसके बाद मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा के आपसे विदा ले लूंगा फटाफट, ठीक है। तो इंटरेस्ट बनाए रखो, कॉन्सेंट्रेशन पूरा यहां कर दो, कुछ दिमाग में चल रहा है तो निकाल दो
और फटाक से यहाँ पे नोट डाउन कर लो मैं क्या देने जा रहा हूँ। देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर आपको समझाने जाऊं, सारी थ्योरेटिकल दो तीन पन्नों की बातें मैं आपको आपके साथ सीधे हिंदी भाषा में करने वाला हूं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब यानी कि अगर किसी सॉल्वेंट में मैंने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाल दिया, अब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट जो है ये क्या करता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की जो बाइंडिंग है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच की जो बाइंडिंग है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट आकर के इस सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग को सेपरेट कर देता है। क्या कर देता है, सेपरेट, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके फ्रीजिंग पॉइंट में इसके ये जो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट सॉल्वेंट का जो सोल्यूशन बना हुआ है इसके फ्रीजिंग पॉइंट में आ जाता है डिप्रेशन। क्या आ जाता है, डिप्रेशन। इसके जो सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में आ जाता है डिप्रेशन, यानी कि ये जल्दी फ्रीज हो जाता है। क्या होता है, ये जल्दी से फ्रीज हो जाता है, ठीक है। और उस जगह पे हम अगर प्योर सॉल्वेंट का देखें, प्योर सॉल्वेंट का देखें तो ये जल्दी फ्रीज नहीं हो पाता है ना, इसका फ्रीजिंग पॉइंट इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी कि टी एफ नॉट प्योर सॉल्वेंट का अगर हम देखें फ्रीजिंग टेम्परेचर ये ज्यादा है टी एफ से, यानी कि सॉल्यूशन से इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या है, कम है। फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा है। अगर आप इसको ऐसे मॉलिक्यूल सेपरेशन फॉर्म में ना देखें, हम चलेंगे वेपर प्रेशर के पास वापस। वेपर प्रेशर में हमने क्या देखा था कि जो है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो ये जो मिक्सचर है सॉल्यूशन का। अब देखो बच्चों ध्यान दो, मेरे शेरों मेरे चितो, मुझे पता है थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आपको ध्यान देना है, मैं इसको एक इसका एक अलग रुख आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको किसी टेक्स्ट बुक में नहीं देखने को मिलेगा, ये एक मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो मैं आपको बता रहा हूं आपके सामने रख रहा हूं। अब देखो वेपर प्रेशर लोअरिंग में हमने क्या देखा था, वेपर प्रेशर लोअरिंग में कि अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में अगर मिक्स हो जाता है तो जो वो जो सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है, कम होता है, यानी कि क्या इसका जो है सॉल्यूशन का प्रेशर एग्जर्ट करने की टेंडेंसी हो जाती है कम, है ना। यानी कि क्या ये नॉन वोलाटाइल सोल्यूट जो है ये नॉन वोलाटाइल है, ये उड़ता नहीं है जल्दी, ये क्या करता है इसको सिकुड़ के रखता है, इस सोल्यूशन को आपस में मॉलिक्यूल्स को अंदर रखता है जमा करके, क्योंकि नॉन वोलाटाइल सोल्यूट सॉल्वेंट में पूरी तरह से डिजोल्व भी नहीं हो पाता। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि अगर इसको मैंने टेम्परेचर इसका कम कर दिया तो जल्दी से फ्रीज हो जाएगा क्योंकि इसमें है नॉन एस्केपिज्म, है ना, नॉन एस्केपिज्म, क्योंकि वेपर प्रेशर तो एग्जर्ट नहीं करता जल्दी से, इसका वेपर बनता नहीं तो वेपर जल्दी से नहीं बनेगा। अगर टेम्परेचर इसका घटा दोगे तो इसका सॉलिड तो कम से कम जल्दी बनेगा ना, सॉलिड इसका जल्दी बनेगा कम से कम। तो हम देख सकते हैं इसका फ्रीजिंग पॉइंट जल्दी रीच हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। अब देखो ये नॉन एस्केपिज्म एग्जिबिट कर रहा है इस सॉल्यूशन में, तो अगर मैं इसको सॉल्वेंट के साथ मिला दूंगा तो ये पूरा सॉल्यूशन जो है ये नॉन एस्केपिज्म टाइप का हो जाएगा, यानी कि जल्दी से इसका वेपर नहीं बन रहा है, लेकिन अगर हम जल्दी से इसका सॉलिड बनाने की कोशिश करें तो जल्दी से फ्रीज हो सकता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट जल्दी रीच हो सकता है एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है, देखो ये टेक्निकल नहीं है लेकिन आप एक इमेजिनेशन के तौर पर आप समझ सकते हो वेपर प्रेशर लोअरिंग से कंपेयर करके कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन का जल्दी क्यों अटेन हो रहा है ना, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो जल्दी से अटेन हो जाता है, यानी कि क्या इस नॉन वोलाटाइल सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट जल्दी से पहुंच जाता है। डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि द फ्रीजिंग टेम्परेचर, अगर समझो ये 0 डिग्री पे फ्रीज होने वाला था तो ये 2 डिग्री पे ही फ्रीज हो गया, यानी कि जल्दी फ्रीज हो गया, है ना, कम टेम्परेचर में फ्रीज हो गया क्योंकि इसमें नॉन एस्केपिज्म है भैया, नॉन एस्केपिज्म है, यानी कि क्या वेपर प्रेशर तो एग्जर्ट नहीं करता, यानी कि वेपर तो जल्दी बनता नहीं है, तो सॉलिड बनाने की कोशिश करेंगे ना हम, सॉलिड अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट जल्दी अटेन होगा नहीं होगा, हाँ या ना, जल्दी अटेन होगा नहीं होगा, होगा ही होगा। तो उसके कंपैरिजन में प्योर सॉल्वेंट अगर हम देखा जाए तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका ज्यादा है। अगर ये बात आपको यहां से समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो आप डाउट जरूर पूछो। तो गाइज ये आपको समझ में आ गया होगा मुझे शायद से लग रहा है कि जो दो तरीके के मैंने आपको आपको डेफिनेशंस बताए जो बताए आपको, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं इन सारे जो फ्रीजिंग पॉइंट के कंसेप्ट्स में बता रहा हूं आपको, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन में। अब देखो बात यह है कि ये चीजें भूलती बहुत है,
ठीक है। तो जितना ज्यादा आप रीडिंग में रखोगे नहीं तो आपको लगेगा यार फ्रीजिंग पॉइंट में ये था, अच्छा तो सोल्यूट ज्यादा था सॉल्वेंट कम था, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में इसका एलिवेट हो रहा था इसका कम हो रहा था, अच्छा तो वेपर प्रेशर लोअरिंग में इसका लोअर हो रहा था उसका। तो देखो लोअरिंग, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ये वो सारी चीजें जब साथ में आ जाएंगी ना, क्योंकि अभी देखो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में मोलालिटी आ जाता है ना, और उसके पहले हम देखें वेपर प्रेशर लोअरिंग में मोलारिटी को ले लेते हैं हम, है ना, रिलेशन में X2 में, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ले लो साथ में। अगर और सॉल्यूशंस के और पीछे पहुंच जाओ थोड़े से तो थोड़ा बेसिक्स आ जाएगा वेपर प्रेशर के बारे में और चीजों के बारे में। तो जब तक मैं बोर्ड रब कर रहा हूं आप थोड़ा सा रिकॉल कर लो, रिवाइज कर लो और इंपॉर्टेंट नोट्स आप अंडरलाइन कर लो कि आपको किस तरह से उसको देखना है, किस तरह से उसको समझना है आपको। तो मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ निकाल करके दिखाऊंगा जो आपको अभी टेक्स्ट बुक में दिख रहा होगा और स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा, वो ग्राफ कहना क्या चाहता हूं मैं, ठीक है। उस ग्राफ में हम देखेंगे, आपको अगला ही दिख रहा होगा कि वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ वापस हमारे सामने आ गया जो हमने पिछले लेक्चर में, पिछले के पिछले लेक्चर में शायद से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के बारे में देखा था। ये यहां पे है वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पे, यहां पे आ गया टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे। तो जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, आई एम सॉरी फॉर द स्लिप ऑफ टंग, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, चाहे सॉल्यूशन हो, नॉन वोलेटाइल हो, सॉल्वेंट हो, देर से ही सही लेकिन बढ़ेगा जरूर, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसा देखा था कि यहां पे वेपर प्रेशर की दो कर्व थे, दो कर्व थी, एक क्या था, एक जो था कि टेम्परेचर जितना बढ़ रहा है वेपर प्रेशर बहुत कम है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहां पे था ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का प्लस सॉल्वेंट का, यानी कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन का था और एक था सॉल्वेंट का, है ना, एक था सॉल्वेंट का। आप ग्राफ देख लो अगर आपने बनाया होगा तो, वो ग्राफ था बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में, है ना। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, इसको हमने कहा था ए बी और इसको हमने कहा था सी डी, है ना। ये हमने कह दिया था टेम्परेचर जो है, ये हमने बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में बात की थी इसकी, कि यहां पे जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट है थोड़ा सा ज्यादा, इसका है कम, इसका होगा थोड़ा सा देर से, इसका ये जो सॉल्यूशन है प्योर सॉल्वेंट ये जल्दी बॉइल हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट को लेकर के हम आज फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब देखो ग्राफ में कोई दिक्कत तो नहीं है, चेंज तो नहीं है, बस थोड़े से कंसेप्ट है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे ओ भाई ये क्या मतलब, क्यों, क्योंकि एक उतना ही वो दो लाइनें हैं, एक आगे से लाइन आ गई है सॉलिड की, है ना, बस उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। तो यहां पे आप ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ में आपको पता चलेगा कि यार छोटी सी चीज के लिए यार फिर से इन्होंने अलग ग्राफ बना दिया फ्रीजिंग पॉइंट का, जो एग्जाम में पड़ेगा लिखना, ठीक है। अब देखो मैं चाहे एक्सप्रेशन कैसे भी दूं, चाहे मैं कितना भी नॉर्मल ग्राफ को लेकर के रहूं, लेकिन यही ग्राफ आपको फ्रीजिंग पॉइंट के शॉर्ट नोट में बनाना ही पड़ेगा, अगर आप समझ रहे हो मेरी बात। तो ठीक से थोड़ा सा ध्यान देते हैं, पढ़ लेते हैं, है ना। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर बना दिया मैंने ऐसा, अब मैं देखो बनाऊंगा ओरिजिन से लेके, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा, किसका, मैं बना रहा हूं सॉलिड सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, यानी कि किसी सॉलिड के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, है ना। एक पॉइंट आएगा जहां पे वो बन जाएगा लिक्विड और वो ऐसा चला जाएगा, यहां पे बना दूंगा मैं लिक्विड सॉल्वेंट, है ना, लिक्विड सॉल्वेंट बना दूंगा मैं। अब वेपर प्रेशर जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन का, वो सॉल्वेंट हमेशा कम ही होता है, तो मैं यहां पे एक ऐसी लाइन बना दूंगा, ये बना दूंगा सॉल्यूशन की लाइन। तो मेरी लाइन शायद थोड़ी सी गलत हो गई क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ए बी सी डी में थोड़ी गड़बड़ कर दी है ना। तो यहाँ पे मैं देख लूंगा, देखो ये लिक्विड सॉल्वेंट की लाइन है ऐसी, है ना, वही लाइन है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, चलो इसी को पढ़ते हैं। अब देखो सॉलिड सॉल्वेंट जो है, सम बर्फ पकड़ लो आप, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे आ गया एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे ये बन गया लिक्विड और यहाँ पे आ गया ये लिक्विड सॉल्वेंट, है ना। तो अगर मैं इसको उल्टा देखूं कि मैं लिक्विड को फ्रीज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मैं लिक्विड को फ्रीज कर रहा हूं, लिक्विड को मैं ठंडा कर देगा, टेम्परेचर घटाया 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 मैंने, एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे सॉलिड का, सॉलिड सॉल्वेंट का, लिक्विड सॉल्वेंट का, दोनों का वेपर प्रेशर जो है वो सेम ही है, सेम वेपर प्रेशर दिख रहा है आपको, है ना। एक पॉइंट ऐसा है जहां पे वेपर प्रेशर लिक्विड का और सॉलिड का, ये फेज में आप सॉलिड में जाने वाला है, फ्रीज होने वाला है, सॉलिड बनने वाला है। तो एट दैट पॉइंट व्हेन द वेपर प्रेशर इज सेम एंड बोथ आर इन इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट वी कैन कॉल इट एज दिस टेम्परेचर। अगर इस टेम्परेचर हम प्लॉट करेंगे, ये टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि मैं इसको बोल सकता हूं टी एफ,
ठीक है। अब ये सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, तो इसमें टी एफ नॉट बोल सकता हूं, ठीक है। तो अब मैं अगर देखूंगा सॉल्यूशन का, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें मिक्स हुआ हुआ है, और अगर ये सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल वाला, मैं इसको घटाते जा रहा हूं, यानी कि लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड है, मैं वही हशर कर रहा हूं, दोनों लिक्विड है भैया, ये प्योर वाला है, ये प्योर वाला है, ये इम्प्योर है, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है, ये समझ लो बात को। तो मैं इसका टेम्परेचर घटाते जा रहा हूं, और इस पॉइंट पे जब ये आ जाएगा, यानी कि यहां से अब इसका सॉलिड का सफर शुरू हो गया, यहां से इसका सॉलिड का सफर शुरू हो गया, तो इस पॉइंट पे ये बन जाएगा, ये इसका ये फ्रीजिंग पॉइंट बन जाएगा। अब देखो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो इसके टेम्परेचर से जल्दी अटेन हो जा रहा है, ठीक है ना, इसके टेम्परेचर से जल्दी अटेन हो जा रहा है, यानी कि क्या, ये जो है ये जल्दी फ्रीज हो रहा है, यानी कि क्या, अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करूंगा इसमें, तो मेरे फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ जाएगा, लेकिन यानी कि क्या, मेरा फ्रीजिंग पॉइंट जल्दी अटेन हो रहा है, जो 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज होने वाला था, ठीक है, वो 2 पे ही हो गया, या हम करेंगे 4 पे ही हो गया, क्योंकि हम वहां ऊपर से नीचे नीचे आ रहे हैं, वो 0 पे होगा, वो 0 पे बनेगा, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट उसका 0 पे आएगा, वो 4 पे ही बन गया, वो 6 पे ही बन गया, हम कहेंगे यानी कि जल्दी फ्रीजिंग पॉइंट अटेन हो गया, ज्यादा मेरे को टेम्परेचर कम नहीं करना पड़ा, मैं बोल सकता हूं ऐसे। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि टेम्परेचर मेरा कमी था, इससे तो कमी है, तो टी एफ नॉट बड़ा होगा और टी एफ छोटा होगा, है ना, यानी कि क्या, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, जिसमें ऐसा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जो नॉन एस्केपिज्म दिखा रहा है, जल्दी से फ्रीज हो जाएगा वो टी एफ पे। ये था हमारा आज का ग्राफ, है ना। इसके बाद हम देखेंगे डेरिवेशन, डेरिवेशन में क्या है, डेरिवेशन में अगर ऐसे आपके लिए लिख भी दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन सेम है, पूरा कॉपी पेस्ट है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का, पूरा छापा हुआ है इन्होंने, पूरा छापा है, कुछ नहीं किया दूसरा, कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं किया, मोलालिटी जो है एम मोलालिटी उसी को लिया है, और उसी में इनका कांस्टेंट अलग डाल दिया है। अब यहां पे के एफ ले लिया इन्होंने, क्या ले लिया है, के एफ, उसमें क्या था, के बी, ये नील नितिन मुकेश को पहचान रहे हो, के बी को, एबिलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, क्या मोलल क्या मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट, तीन तीन नाम भाई, त्रिकाल जैसे तीन तीन नाम थे इसके, इसका एक ही नाम है केएफ का, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट के बारे में मैं बात करता हूं, ठीक है। तो इसका वही है कि डेल्टा टीएफ जो है फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है इसमें, फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी, जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बनेगा उतना जल्दी आपका सॉल्यूशन फ्रीज हो जाएगा इम्प्योर वाला, तो वही है। उसके बाद डेल्टा टीएफ इसमें आ जाएगा कांस्टेंट इज इक्वल टू आ जाएगा के एफ इंटू एम, तो एम को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, जो मैंने डेरिवेशन बनाया था, एम क्या है, वही वापस N2 अपॉन N1, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, N1 को हम लिख देंगे W1 अपॉन 1000, इसको ले लो ऊपर फटाक से, तो 1000 W2 अपॉन M2 इंटू W1, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पर, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू 1000, क्या है भैया न्यूमरेटर में देख लो, W2 अपॉन M2 W1, ये हो गया, ये हो गया भाई। अगर बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया ना, तो ये भी हो गया खत्म, ठीक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट यहां पे खत्म, इसको नहीं देखेंगे हम अब, खत्म फ्रीजिंग पॉइंट यहीं पे खत्म। बस एक ग्राफ था अलग, जिसमें हमने देखा था कि सॉलिड का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट आ गया है, ऐसा एक पॉइंट आया जहां पे इक्विलिब्रियम में सेम वेपर प्रेशर पे वो क्या हो रहा है, लिक्विड सॉलिड बन रहा है, दोनों एक फेज में, उस पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, टेक्निकल डेफिनेशन थी। उसके बाद हमने देखा कि डिप्रेशन क्यों आता है फ्रीजिंग पॉइंट में, कंसेप्ट देखे, और उसके बाद इसका बस कॉन्स्टेंट का नाम चेंज किया है, बाकी पूरा डेरिवेशन छाप लिया सालों ने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में, नोट डाउन कर लोगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। तो आज का हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूरा खत्म होता है, आई होप बिना किसी डिप्रेशन के साथ ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट खत्म हो रहा है हमारा। अगर फिर भी कोई डाउट है, शंका है मन में, उसको शंका मत रहने दीजिए, उसका शंख बजाइए फटाफट, और एक्सप्रेस कीजिए बातों को जो नहीं समझ में आ रहे। टेलीग्राम का चैनल भी है दीक्षा कोचिंग क्लासेस के नाम से, फटाफट से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, जितना हो सके कॉन्ट्रीब्यूट करिएगा अपनी तरफ से, क्योंकि जितना हो रहा है मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। तो बात यह है कि अगले लेक्चर में हम सीखेंगे ऑस्मोसिस के बारे में, जैसा मैंने वादा किया था, डिप्रेशन को पूरा सिखा करके, ग्राफ देख करके मैं आपसे विदा ले रहा हूं। तो अभी मैं विदा ले रहा हूं, तो मैं इंट्रोडक्शन कर दूंगा ऑस्मोसिस का, क्या है ऑस्मोसिस, यानी कि क्या, किसी
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर से सेमी परमिएबल के मेम्ब्रेन के बीच से अगर कोई सॉल्यूशन लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन का है वो लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है ना, लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। सब कुछ बताऊंगा सेमी परमिएबिलिटी के बारे में, हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन सेमी परमिएबल क्या है, कैसे ट्रैवल होता है, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में भी पढ़ेंगे कि ऑस्मोसिस है तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसकी वजह से आता है, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल सेटअप उसका कैसा है जो कि 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप वो हम सीधी भाषा में आसान भाषा में सीखेंगे। कतई जहर टॉपिक है भाई, भाई लोग कतई जहर टॉपिक है बच्चों, तो बच्चों आपको आना जरूर है अगले लेक्चर में, उसके लिए नोटिफिकेशन आइकॉन प्रेस कर दीजिए फटाफट ताकि आपको पता चल सके कि कब लौटूंगा मैं। वैसे तो मैं रोज आ रहा हूं आपके लिए, लेकिन नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस कर दो। और कई लेक्चर्स हम प्लान कर रहे हैं पोस्ट करने के अलग अलग सब्जेक्ट्स के, फिलहाल तो केमिस्ट्री हमारा धूम मचा रहा है और धूम मचाते रहेगा बिना किसी बवाल के, बिना किसी बकैती के, यहाँ पे पढ़ाई होती है, एजुकेशनल पर्पस का चैनल है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी ये वो देखते हो एंटरटेनमेंट पर्पसेस को, तो एजुकेशनल पर्पसेस को भी उतना ही प्रमोशन दो, उतना ही कैटलिस्ट बनो, इसको बूस्टअप करो, ठीक है। तो हम इसके बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, उसके बाद वेंट ऑफ भैया है हमारे जो आदरणीय वेंट ऑफ फैक्टर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारे सिंबल्स है कंसेप्ट से पढ़ने के लिए, उसको हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा, मिलूंगा अगली बार, ठीक है।